कोविड-19 पैंडेमिक के बाद अब दुनिया में एक नया वायरस आ चुका है, ह्यूमन मंकी पॉक्स वायरस। यूके में रिसेंट न्यूज़ ये बोलता है 3 लोग जो कि नाइजीरिया से माइग्रेट किए थे यूके को, तीनों के वायरस के पॉजिटिव निकले हैं। आपके नॉलेज के लिए ये बताता हूँ कि ये जो डिजीज है ये नया कुछ डिजीज नहीं है, ये 1970s में सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीका में ही स्टार्ट हुआ था। 2017 में नाइजीरिया में 217 केस मिले थे मंकी पॉक्स वायरस के बारे में। 2017 के 4 साल बाद ये ह्यूमन मंकी पॉक्स वायरस नाइजीरिया से निकल के यूएसए का मैरीलैंड में पहले देखा जाता है, फिर उसके बाद टर्की, सिंगापुर, यूके, नॉर्दर्न आयरलैंड, ये सारे जगह पे मंकी पॉक्स वायरस का ब्रेक देखा जाता है। और उसके बाद 2022 में अभी 3 केस यूके में भी देखा गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO एंड यूनाइटेड स्टेट्स का CDC यानी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ये कहता है कि जो मंकी पॉक्स वायरस है वो ऑर्थोपॉक्स फैमिली का एक वायरस है और सेंट्रल एंड वेस्टर्न अफ्रीका ओरिजिनेशन हुआ है। ये वायरस जो है इसका 2 टाइप्स है, एक है कॉन्गो बेसिन और एक है वेस्ट अफ्रीका। मंकी पॉक्स वायरस स्प्रेड होने का 3 तरीका है, एक है क्लोज कॉन्टैक्ट, दूसरा है एक्सेलेशन, जब कोई एक्सपीरेशन करता है जैसे कि हम ब्रीथ आउट करते हैं और अगर ज़्यादा ड्रॉपलेट एयर में आ जाता है और आप उसको इनहेल कर लेते हो तो आपको भी चांसेस रहता है मंकी पॉक्स होने का। तीसरा जो है अगर कोई इन्फेक्टेड एनिमल है और आप उसके मीट खा लेते हो, जैसे अफ्रीकन कंट्री में हंटिंग एंड मीट खाना इज़ ए कॉमन थिंग एंड अगर आप उसको ये स्ट्रेटेजी ऑप्ट करते हो तभी भी आपको मंकी पॉक्स वायरस हो सकता है। मंकी पॉक्स वायरस हमारे बॉडी के लिम्फ नोड्स को काफ़ी अटैक करता है और इससे ये होता है कि हमारे मसल पेन होता है, बॉडी पेन होता है और बैक पेन्स होते हैं, चिल्स आते हैं, एग्जॉस्ट लगता है जैसे, और चारों ओर स्कार्स हो जाते हैं जैसे स्वेल होना और रैशेस वगैरह फॉर्म होना, ये सारे सिम्टम्स देखा जाता है। लेकिन उसका सेवरल जो स्टेजेस है जैसे स्कार्प का दिखना और इन द एंड वो जब स्कार्प निकल जाता है, वो जितने छोटे छोटे दाग होते हैं वो जब निकल जाता है तब लगता है कि ये डिजीज चला गया है। डिजीज का प्रोग्रेशन 1 वीक से लेके 1 महीने तक होता है और इसके बीच 5 स्टेजेस होते हैं। एंड स्टेज जो है वो स्कैब होते हैं जिसमें जब स्कैब फॉल डाउन होता है, बिकॉज पहले तो लेशन होते हैं जो छोटे 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 डॉट जैसे हमारे बॉडी में स्वेल हो जाते हैं उसको लेशन बोलते हैं। लेशन के एंड सबसे एंड में होते हैं स्कैब, जो जब वो सारा लेशन टूट के नीचे गिर जाता है। स्कैब गिरने के बाद ये माना जाता है कि वो वायरस चला गया यानी आप ठीक हो गए हो। ये कितना डेंजरस है, कितना फैटल है, अब तक कोई ऐसा एस्टिमेट किया नहीं गया है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट का ये मानना है कि ये डिजीज जो है ब्लाइंडनेस कॉज कर सकता है, डेथ भी हो सकता है पेशेंट का। अब आता है क्वेश्चन कि ये जो डिजीज है क्या इसमें डेथ होना श्योर है? वेल, अभी तक रिसर्च ये बताया कि 10% केस में डेथ देखा जाता है यानी 100 में से 10 लोग। अब मैं बात करता हूँ ट्रीटमेंट का। वैसे तो दुनिया में इस डिजीज का कोई ट्रीटमेंट नहीं है क्योंकि ये डिजीज के ऊपर उतना रिसर्च नहीं हुआ है, क्योंकि ये स्मॉल पॉक्स के साथ थोड़ा बहुत रिजेंबल करता है। तो स्मॉल पॉक्स के रिगार्डिंग जो वैक्सीन्स है या इम्यूनोग्लोबुलिन जैसे एंटीबॉडीज अप्रोच है, ये सब यूज करके इसको ट्रीटमेंट किया जा रहा है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के हिसाब से मंकी पॉक्स वायरस का जो ट्रीटमेंट है उसके लिए हम सिडोफोविर ST-246 वैक्सीन या इम्यूनोग्लोबुलिन, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, ये सारे चीजें यूज किया जाता है। 4 तरीके हैं आप इस डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हो। पहला, अवॉइड कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। अगर किसी को ह्यूमन मंकी पॉक्स वायरस इन्फेक्ट हुआ है आप उसके साथ क्लोज कॉन्टैक्ट मत करें। अगर आप जाते भी हो तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी ग्लव्स और लैब कोट्स, मास्क, गॉगल्स, ये सब यूज करके आप उसके पास जाए। फिर उधर आने के बाद हाथ को अच्छे से सोप से साफ किया जाए और सैनिटाइज किया जाए ताकि ये वायरस आपके सरफेस में ना आए। 4th है, बुश मीट को अवॉइड कर। कंटेंट अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो सब्सक्राइब करो और एक कमेंट डाल दो ताकि मैं अपने मिस्टेक्स या जो भी चीज़ें मुझे इम्प्रूव करना है उसके रिगार्डिंग मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।